बढ़ते आगे राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर FIR दर्ज कराई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ये शिकायत दी थी। एक सप्ताह पहले दी गई थी शिकायत, पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया है। बेहद अहम और बड़ी खबर, राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर FIR दर्ज कराई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ये शिकायत दी थी और एक सप्ताह पहले ये शिकायत दी गई थी, पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दी है, FIR दर्ज कराई है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, इसे लेकर और क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो बंगाल चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में है। लेकिन FIR वाला जो मुद्दा था, लगातार कहा जा रहा था कि फोन टेपिंग का जो मुद्दा है ये तूल पकड़ेगा और आखिरकार इस पूरे मुद्दे ने तूल पकड़ा है। जैसे ही विधानसभा में उस प्रश्न के जवाब को लेकर भाजपा ने सरकार को लगातार घेरा था, उसके बाद से ही ये तय माना जा रहा था कि अब सियासत और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि अब 3 उपचुनाव है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव इस तरीके के मामलों का पड़ता नहीं है, लेकिन अब सियासत जो है वो और भी तेज हो गई है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ देश भर में भी एक मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि ये कानूनी मामला है, पूरा कानून क्या कहता है, लेकिन यहाँ पर जो FIR दर्ज कराई गई है, ये FIR अपने आप में सब कुछ बयां करती है कि अब ये सियासत और कितना आगे तक पहुंचेगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चले थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ से आरोप नहीं लगाए गए हों या कांग्रेस की तरफ, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चला था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया आएगी तब पूरा मामला सामने आएगा। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जानकारी में भी ये पूरा मामला थोड़ी ही देर पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से आया था, जब हम उनसे अभी बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं बोले हैं। कुछ देर बाद उनका भी बयान आना है, लेकिन अब बयान की राजनीति होगी। लेकिन अब देखना ही है कि शांति धारीवाल का क्या बयान आता है, क्योंकि सदन में उनकी तरफ से जवाब भी दिया गया था, वो इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रूप से क्या बयान देते हैं। ऐश्वर्य बिल्कुल, और एक सप्ताह पहले शिकायत दी गई थी, ये कोई आज ही शिकायत नहीं दी गई है, पुलिस ने क्राइम ब्रांच को भी ट्रांसफर किया है, ये भी जानकारी मिली? देखिए, लगातार एक और डिमांड की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इसे CBI को दिया जाए, लेकिन CBI को लेकर लगातार बातचीत भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, मांग कर रही थी, लेकिन ये अब FIR दर्ज कराई गई है, दिल्ली में FIR दर्ज कराई गई है। तो आगामी दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है, CBI को ट्रांसफर होता है, यानी क्योंकि उसका जो प्रक्रिया है वो अलग होती है, राज्य सरकार अपना जवाब अलग से दे चुकी है, तमाम बातें हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर FIR दर्ज कराई गई है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी वकील क्या कुछ जवाब देते हैं, कानूनविद क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद कानूनी पूरा मसला होगा, कानून किस तरीके से इसे देखता है वो देखने वाली बात। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक सप्ताह पहले शिकायत दी गई थी, दिल्ली के तुगलक रोड थाने में FIR दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले में पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया है। ये मामला